वो हम देखेंगे आगे। तो ये अभी जो राहु विथ नाग हेड एंड केतु विथ नाग टेल, तो जैसे मैंने बताया कि अर्थ और मून की जो ऑर्बिट है वो है, तो जो ऑर्बिट है वो तो एक्चुअली इमेजिनरी है। तो ये जो इमेजिनरी जो चीज़ें हैं वो कनेक्टेड कैसे है, तो लाइक जैसे नाग का जो एक फन फुलाया हुआ नाग जो बैठता है, तो राउंड कुंडली मार के वो बैठता है, तो ऊपर का जो पार्ट है वो उसका हेड है और नीचे का पार्ट है वो उसका टेल है। तो इस तरह से हम जो ऑर्बिट है उसको एक नाग ने कुंडली मार के रखा है, वैसे इमेजिनेशन किया है। दिस इज प्योरली फॉर रिमेम्बरिंग द थिंग्स, इट्स नॉट फॉर अंधश्रद्धा। तो ये रिमेम्बर करने के लिए ही ऐसी स्टोरीज जो है एस्ट्रोलॉजी ने यूज़ किया है। आपको पता है कि एक जो चित्र होता है वो हजारों शब्दों का गरज जो है वो उसको आसान कर देता है। आप कभी कभी हजारों शब्द भी उसको एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन एक ड्राइंग करो, चित्र बनाओ, तो उससे समझ में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे आप रीड करते हो उसको। तो वैसे ही जो ऑर्बिट है उसको एक नाग की तरह एज्यूम किया गया है, और इसलिए उसका नॉर्थ जो जंक्शन है वो राहु यानी हेड है, और साउथ जंक्शन नीचे का पार्ट जो टेल है वो केतु है। तो यहाँ पे ये केतु, ये जो दिस इज अ राहु विथ अ नाग फन एंड दिस इज अ केतु विथ अ टेल। ओके, सो दिस इज अ टेल ऑफ द केतु। सो केतु को क्या कहा गया, उसको ब्लाइंड है, सुगंध नहीं आती है, सो ये सब जो है वो क्योंकि उसके पास हेड नहीं है। और यहाँ पे ENT, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, उसके लिए हम लोग राहु देखते हैं क्योंकि उसको सिर्फ हेड है। तो ये जो नाग है वो नाग को इस तरह से रीड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। नाव केतु हमेशा भयकारक रहता है, इसलिए उसके पास हमेशा तलवार वलवार सब अस्त्र शस्त्र रहते हैं, और उसके पास उसकी पत्नी रहती है चित्रा या तो दृष्टा। ये चित्रा जो होती है वो उसे जैसे हम बोलते हैं कि कोई ब्लाइंड है, अंधा आदमी है, तो वो कैसे महसूस करता है, तो अपने महसूस करने पे वो पता लगाता है कि कौन आया कौन गया, कौन सी चीज़ कहाँ पे मूव हो रही है, वो साउंड से पता चलती है। पर इसके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, जो ENT है, ईयर, आई, नोज़, ये सब नहीं है। तो वो हार्ट जो है, यानी कि उसका हार्ट, यानी उसकी जो वाइफ, यानी कि उसका हार्ट बताया गया है चित्रा, तो उसके जो वाइब्रेशंस जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से आपने किसी को याद किया और उसने भी आपको याद किया, और उसी टाइम पे आपका फ़ोन आपके मित्र को लग गया, तो इस हिसाब से कभी टेलीपैथी जो होती है, तो वो हिसाब से जो केतु है वो यूज़ करता है, और वो टेलीपैथी जो है वो उसकी वाइफ चित्रा, ऐसे पिक्चर में बताया गया है। हालांकि ये सब इमेजिनेशन है, ये एस्ट्रोलॉजी में साफ तौर से कहा गया है। यहाँ तक मैं अपना जो वीडियो है उसे स्टॉप करता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस किस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी घटना का आउटब्रेक होने पे, और उसके बाद में आपको बताऊँगा हमारे जो 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो भी वायरस और बैक्टीरिया, कॉलेरा, प्लेग, फ्लूज, सार्स, स्वाइन फ्लू, ये जो चीज़ें आउटब्रेक हुई है, और अभी लेटेस्ट जो करोना हुई है, तो उससे हम एस्ट्रोलॉजी और प्लेनेटरी पोजीशंस के साथ कंपेयर करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी ने बताया है कि वो चीज़ें क्या सही में सही है या उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो वो हम उसको समझेंगे, और हम फिर इंडिविजुअल जो भी है पर्सन वो अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हो। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपको कि आउटब्रेक कोई भी घटना का कब होता है। धन्यवाद, थैंक यू।